हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स फॉर लुक ब्यूटीफुल, फॉर लुक अट्रैक्टिव। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, इसके साथ साथ हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो टिप नंबर फर्स्ट है स्मेल गुड, और इसके लिए आप अपने साथ रख सकते हैं कोई भी डिओड्रेंट या रोल ऑन। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये नीविया का पर्ल एंड ब्यूटी, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसके साथ आप परफ्यूम्स भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, और सामने वाले इंसान पर भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि परफ्यूम इज़ मस्ट, और यहाँ पर मैं बेला वीटा के परफ्यूम्स आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और इसके साथ साथ की फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहें तो आप कोई भी बॉडी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेयर वाटर गर्ल का जो वनीला वाला बॉडी स्प्रे, ये मेरा फेवरेट है। इसके और भी दो वेरिएंट्स हैं जो आपको नायका में मिल जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टिप पर। तो नेक्स्ट टिप है मेकअप। मेकअप में मैं कहूँ तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, या तो हम बहुत ही ओवर मेकअप कर लेते हैं, या तो फिर हम बिल्कुल सही मेकअप नहीं करते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फाउंडेशन मत लगाओ, मगर ये एक लाइट वेट सा कंसीलर ज़रूर अप्लाई कर लो। इससे आपका फेस पूरा इवन दिखेगा। और अगर आप कॉलेज में या ऑफिस में बहुत ही लाइट मेकअप करना चाहते हैं कि सामने से पता ना चले कि आपने मेकअप किया हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले लो। ये फुल कवरेज और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, और मैं तो कहूँगी फाउंडेशन स्किप ही कर दो। अब बात करते हैं आई मेकअप की। तो आई मेकअप मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टैकी नहीं करना। आप सिंपल बस अपनी आई लैशेस को इससे कर्ल कर लें, और फिर लगा लें अपना फेवरेट कोई सा भी मस्कारा। वैसे भी मस्कारा तो सब लड़कियों का फेवरेट होता है, और हमें बस आई मेकअप में यही करना है, हमें मस्कारा लगाना है और हमारी आई लैशेस को कर्ल कर लेना है। यू विल गुड टू गो। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। तो मैं कहूँगी कि आप अपने मेकअप पाउच में इस तरह से पिंक कलर के जो शेड्स हैं वो ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आप अपना फुल मेकअप कर सकते हैं, फुल फेस मेकअप। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप चाहो तो इस तरह के कोई लिप लाइनर से बस इस तरह थोड़ा सा स्मच करके एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके ऊपर कोई लिप बाम लगा लें तो ये ऐसा लगेगा कि आपने कुछ लिपस्टिक ही नहीं लगाया, आपके लिप्स नेचुरल पिंक है। इसके अलावा आप लिप एंड चीक टिंट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये लिप एंड चीक टिंट है जो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसे तो होना ही चाहिए आपके मेकअप पाउच में। इसे आप लिप पे भी यूज़ कर सकते हैं और चीक पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेनिफिट का टिंट यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी वाटरी कंसिस्टेंसी है, और इसकी लॉन्गिटिविटी भी काफ़ी है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल टिंट भी हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टिंट से ना बहुत ही फ्रेश लुक आ जाता है आपके फेस का। और इस तरीके की एक पिंक लिपस्टिक तो आपके मेकअप पाउच में ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। आपको पता है आप इस तरह की लिपस्टिक से आप अपने फेस का फुल मेकअप कर सकते हैं। आप इसे एज अ ब्लश, एज अ आई शेडो, एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के शिमर्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें ट्रेडिशनल में आई मेकअप में आई शेडोज वगैरह लगाने पड़ते, तो इस तरह का आप पैलेट ले सकते हैं। या तो मैं कहूँगी आप ऐसा पैलेट लो जिसमें आपको शिमर शेड और मैट शेड दोनों ही मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं मार्स का पैलेट यूज़ कर, इसमें शिमर और मैट शेड दोनों ही है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा एक पिंक कलर, कोरल कलर भी, जिसे आप एज अ ब्लश लगा सकते हैं, और कॉन्टोर का शेड भी दिया हुआ है। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में मैं आपको कहूँगी एक वॉच पर ज़रूर 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 इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉच ना बहुत ही क्लासी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। और फॉर्मल में तो मैं कहूँगी वॉच को स्किप ही मत करो। अब नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के गोल्डन ब्रेसलेट्स पर। इस तरह से छोटे छोटे जो गोल्डन ब्रेसलेट या गोल्डन ज्वेलरीज होती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही आप इस तरह की एक रिंग भी पहन सकते हैं। इंस्टेंटली आप देखेंगे मेरे हाथों में कितना फ़र्क दिखाई देने लगा। इसके साथ साथ आप फॉर्मल एंड वेस्टर्न में इस तरह के हूव्स भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप पहन रहे हो ट्रेडिशनल, तो गाइस झुमके पहना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये मेरा वाइट कलर का सूट है, तो मैं इसमें ये वाइट कलर के झुमके पहनती हूँ, ये मुझे इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास ये एक ब्लू कलर का सिंपल सोपर सा कुर्ता है, तो इसके साथ मैं पसंद करती हूँ ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी पहनना। ये कुर्ते के साथ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन केयर इज मस्ट। तो हम बात करेंगे स्किन केयर की।
तो स्किन केयर में आपके पास एक अच्छा फेस वॉश होना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को अच्छे से नरिश कर सके, मॉइस्चराइज कर सके, और साथ ही साथ आप एक अच्छे विटामिन सी सीरम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ ये द ऑर्डिनरी का, इसके अलावा और भी अफोर्डेबल सीरम्स है जो नायका पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको लेना है एक सनस्क्रीन, और जितने भी मैंने आपको अभी टिप्स बताए ना वो इसके बिना इनकम्प्लीट है। और हमने अपने बालों की बातों की ही नहीं, और अगर आप भी बालों में ऑयलिंग करना भूल जाते हो और आपके हेयर्स बहुत ही ड्राई हो चुके हैं तो आप इस लॉरियल के सीरम में ज़रूर इन्वेस्ट करें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, वीडियो होती है यही ख़त्म। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो पर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। So I hope you subscribe me guys. Bye bye. I'll see you in my next video.